नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे पहले दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों की, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। सदगुरु के फाउंडेशन के खिलाफ बंधक बनाने का केस हुआ बंद। सुप्रीम कोर्ट बोला लड़कियां बालिग हैं, मर्जी से आश्रम में रह रही होंगी, वहां पुलिस जांच गलत है। सलमान खान को फिर मिली जान से मारने की धमकी। मैसेज भेजने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का बताया, कहा बाबा सिद्दीकी से बुरा होगा हाल। जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट में प्रस्ताव किया पास। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पीएम मोदी से दो दिन में मुलाकात कर सौंपेंगे ड्राफ्ट। बरगाड़े बेअदबी मामले में राम रहीम को लगा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे पर लगी रोक हटाई। नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में मांगा जवाब। उदयपुर में शुक्रवार सुबह वन विभाग और पुलिस टीम ने एक लेपर्ड को मारी गोली। उदयपुर में सर्च के दौरान टीम पर झपटा था आदमखोर, 1 महीने में 10 लोगों को बना चुका था अपना शिकार। सोना पहली बार 77,000 के पार पहुंचा, वही दाम 522 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़े। इसके अलावा चांदी भी अब 335 रुपए प्रति किलो की तेजी से बढ़ी। वहीं बात करें शेयर बाजार की तो सेंसेक्स दिन के निचले स्तर से 815 अंक संभला, ये 218 अंक की तेजी के साथ 81,224 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 287 अंक की रिकवरी पर आई। ये थी दिन भर की ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की खास और बड़ी खबरों। सबसे पहली खबर हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां देर रात सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिसे एक मकान की छत और दूसरे की दीवार गिर गई। वहीं मलबे में दबने से दंपत्ति और उनके 12 साल के पोते की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उनकी पड़ोसी महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मलबे को हटाया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद 3 शव बाहर निकाले गए। मृतक बच्चे का आज जन्मदिन था, घर में खुशी की जगह मातम छा गया। मृतकों की पहचान सरजीत 52 साल, उनकी पत्नी बबीता 48 साल, पोता नकुल 12 साल और पड़ोसी लक्ष्मी 32 साल के रूप में हुई है। हादसा भाकरी गांव में हुआ। यहां सरजीत की मकान के नीचे ही हार्डवेयर की दुकान थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शपथ ग्रहण के बाद चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय में मंत्रिमंडल की पहली बैठक ली। दरअसल बैठक की अध्यक्षता सीएम सैनी ने ही की। बैठक से पहले नायब सैनी अपने कार्यालय सीएम ऑफिस पहुंचे और कार्यभार संभाला। इसके बाद सभी मंत्रियों को उनके कार्यालय दिए। कार्यभार संभालने के बाद सीएम सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसान पराली नहीं जलाएंगे, पराली जलाने वाले किसानों को अधिकारी समझाएंगे। सैनी ने कहा कि किसान हमारे लिए सम्मानित है, इसीलिए किसानों को पराली जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में अवगत कराया जाएगा। प्रदेश की जनता को मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बड़ी सौगात भी दी, जिसमें सैनी ने कहा कि राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में क्रोनिक किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की सुविधाएं होंगी। भविष्य में सभी मेडिकल कॉलेज में भी मुफ्त डायलिसिस की सुविधाएं दी जाएंगी। हरियाणा की सियासत में इन दिनों नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ जलेबी भी खूब चर्चित है। दरअसल जलेबी आजकल सिर्फ मिठाई नहीं बल्कि राजनीतिक व्यंग का भी मुद्दा बन चुका है। हरियाणा प्रदेश में नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाए जाने का जश्न भाजपाई धूमधाम से मना रहे हैं। दरअसल अम्बाला में भी पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल ने 5 क्विंटल जलेबी बांटकर नायब सैनी के सीएम बनने का जश्न मनाया, और इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल ने राहुल गांधी और भूपेंद्र सिंह को भी जलेबी भिजवाई। आपको बता दें कि असीम गोयल ने कहा कि राहुल यहाँ इटलवी ज्ञान देने लग गए थे, लेकिन जनता ने उन्हें जवाब दे दिया है। हरियाणा में नायब सैनी के मंत्रिमंडल में रोड जाति का प्रतिनिधित्व रह गया है। वहीं हरविंद्र कल्याण तीसरी बार चुने गए हैं और वह मनोहर लाल के करीबी हैं। ऐसे में भाजपा उनके नाम पर दाव खेल सकती है। सैनी सरकार के मंत्रिमंडल के गठन के बाद अब स्पीकर पद के लिए रस्साकसी शुरू हो गई है। जो मंत्री बनने से पहले चूक गए हैं वह अब स्पीकर व डिप्टी स्पीकर के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। बता दें भाजपा स्पीकर व डिप्टी स्पीकर के पद पर उन जातियों को समायोजित करने की कोशिश करेगी जिनका मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व कम है या बिल्कुल नहीं है। सैनी के मंत्रिमंडल में जाति का प्रतिनिधित्व रह गया है। रोड जाति से इस बार 2 विधायक चुनकर आए हैं, इनमें घरौंदा से हरविंद कल्याण और दूसरे सतपाल जावा हैं। हरविंद कल्याण तीसरी बार चुने गए हैं और वह मनोहर के करीबी हैं। ऐसे में भाजपा उनके नाम पर भी दाव खेल सकती है।
तो ये थी दिन भर की ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।